वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, सभी पार्टियां एक और जहां उपचुनाव में जुटी हुई हैं, सभी बड़े राजनेता लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी बीच मुकेश सहनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, चूंकि आपको बता दें इस बाबत उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी भी साझा की है। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर गोपालगंज के सिंधवलिया थाना अंतर्गत बघवार गांव में मछली पकड़ते समय दबंगों ने श्री नागेंद्र सहनी, श्री चंदन कुमार सहनी और श्री शिवबच्चन सहनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और इसके बाद तुरंत पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी गोपालगंज पहुंच गए। देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली है। वीआईपी पार्टी की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, और इसी दौरान मुकेश सहनी ने पुलिस प्रशासन को कॉल कर इस बात को लेकर जानकारी ली है। साथ ही साथ उन्हें सख्त आदेश भी दिया गया है कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, एक और जहां सभी बड़े नेता लगातार उपचुनाव की ओर नजर भिड़ाए हुए हैं, एक और जहां मुकेश सहनी एक्शन मोड देखने को मिला है, उन्होंने पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हो गए हैं। चूंकि उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर लिखा है, हम न्याय की प्राप्ति तक पीड़ित परिजनों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, गोपालगंज की है, जहां मुकेश सहनी आपको तस्वीरों में फोन करते नजर आ रहे होंगे, फोन कर बातचीत करते नजर आ रहे होंगे। चूंकि पिछले दिनों गोपालगंज के सिंधवलिया थाना अंतर्गत बघवार गांव में मछली पकड़ते समय दबंगों ने श्री नागेंद्र सहनी, श्री चंदन कुमार सहनी और शिवबच्चन सहनी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, और ऐसे में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी पहुंच चुके हैं। देखिए, मुकेश सहनी का एक्शन मोड देखने को मिला है। हालांकि जिस तरीके से एक और जहां बड़े राजनेता जो हैं वह चुनाव की ओर अपना नजर भिड़ाए हुए हैं, एक और जहां बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, दूसरी ओर मुकेश सहनी का एक्शन मोड देखने को मिला है। हालांकि इस तस्वीर को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआईए प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।